नमस्कार, संडे डिबेट को स्वागत करुच्ची मु थबीर सामल। आखि नाई कान नाई बाजिगले दोष नाई, एही न्यायर एबे रास्ता को ओल्लाइछि शिक्षक संघ। उभय स्कूल शिक्षक और कलेज अध्यापक राजरास्तारे अछंती एवं धमक चेतावनी मध्ये मिलिछि जे आसंता काली थारु स्कूल रे ताला पड़िब, श्रेणीगृह बर्जन करिवे, जहाकि छात्र छात्री और अभिभावक चिंतार विषय। कारण पाठपढ़ा आरंभरु ब्रेक लागिब, आ रास्तारे शिक्षक केवल स्कूल और शिक्षानुष्ठान परिचय नुहे, वर्तमान लोअर पीएमजी चली शिक्षकों परिचय। एपटे जिद्रे अटल थिबा बेले शिक्षक संघ सेपटे सरकार कहउचंती आलोचना करुचु समस्यार समाधान हबो। ए प्रसंगे आज टॉपिक रही संडे डिबेट, जो थी कि सरकार को शिक्षक चिंता। सतुरी हजार शिक्षक एवं अध्यापक वर्तमान राजरास्तारे अछंती। यदि आपण देखिबे ब्लॉक ग्रांट उच्छेद करी पूर्ण अनुदान दाबी, समान काम को समान दरबा मध्य संघ दाबी करिछि। अन्यपटे यदि आपण देखिबे एही आंदोलन नुआ नुहे, पूर्वरु मध्य जोभली भाबरे मैट्रिक परीक्षा चलीथिला, युक्त दुई परीक्षा चलीथिला, सेतेबेले मध्य शिक्षक माने रास्ता को ओल्लाइथिले एवं वर्षक मध्य चारिथर रास्ता को ओल्लाइछंती शिक्षक माने। जोभली भाबरे पाठपढ़ा कहंतु परीक्षा कहंतु खाता मूल्यांकन मध्य विभ्राट उपजिथिबार सेतेबेले अभियोग होइथिला। यदि आपण देखिबे सतुरी हजार शिक्षक आंदोलन में जोग देथिबारु पाखापाखि तीस लक्ष छात्र छात्री भविष्य कौन हम से नहीं लगी रही अनिश्चितता। अन्यपटे यदि आपण देखिबे जेहेतु ग्रांटिन एड जहाँकि 2018 मसीहा जनवरी 1 रु राज्य सरकार लागू करथिबार दाबी करथिले, मध्य सेथिरे थिबा किछि त्रुटि विचुत्ति वर्तमान आंदोलनरत शिक्षक और कर्मचारी ग्रहण करि पबनांति। ए प्रसंगरे हमर डिबेट जहाँकि पाठपढ़ा आरंभरु शिक्षकों आंदोलन ठीक कि शिक्षक आंदोलन जोगु पाठपढ़ा प्रभावित, दायी किए, काहीं कि बारंबार आंदोलन को ओल्लाउछन्ति शिक्षक, शिक्षक आंदोलन पछरे राजनीति अछि कि, काहीं कि डेडलाइन भितरे पूरण होइ पारुनि शिक्षकों दाबी। निश्चित भाव में संडे डिबेट रे वर्तमान आम सहित सामिल होती गेस्ट मानक परिचय कर दिए। वर्तमान अच्छा वासुदेव छाटोई शिक्षाविद, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पूर्वतन अध्यक्ष एवं अम्यबाला परिडा अच्छा जे सदस्य अच्छा ओडिशा स्कूल और कॉलेज मिलित मंचर सदस्य एवं अभिभावक भाव में हिमांशु प्रसाद सिंह सामिल होती आलोचन। ए प्रसंगे आलोचना करिबा जो भली भाव में वर्तमान छात्र छात्री एवं अभिभावक चिंतार विषय। कारण आसंता काली ठारु शिक्षक माने ताला पकाइबे एवं श्रेणी बर्जन करिबे। प्रथमे अम्यबाला परिडा मैडम आपनको ठारु आरंभ करिबि, जेतु आपनकर भलो कोटेशन देइचंती आखि नाई कान नाई बाजिगले दोष नाई, शिक्षकंकर गोटे दायित्व थाए उत्तरदायित्व भी रहिछि शिक्षा और छात्र छात्री पई। आपन निजे दायित्व रे जेतले आंदोलन को ओल्लौछंती कहउछंती आखि नाई कान नाई बाजिगले दोष नाई, केमिति बिना दोष रे आपण माने आंदोलन को लेले बिना दायित्व रे किभली भाबरे रास्ता को लेइचंती एभली चेतावनी ना एटा गोटे ब्लैकमेल निहाति भाबरे आखि नाही कान नाही बाजी गले दोष नाही। एटा गोटे शिक्षक जतेबेले कहिछि से केतेबेले कहिछि काहे कि कहिछि को परिस्थिति रे कहिछि सेटा मध्ये चिंता करिवार कथा। जतेबेले दीर्घ 20 वर्ष 25 वर्ष धरि से माने सब अध्यापक आ माने काम करि आसीछु एवं सरकार जतेबेले हमर गोटे मात्र दाबी को पूरण करि पारु नाहती, जते जोटा कि हमर न्याय अधिकार से दाबीटा होछि योग्यता दिनरो पूर्ण अनुदान हमर लाभ करिवा सेटा को जतेबेले देइ पारु नाहती, बारंबार हमकु कहउछन्ति जे प्रतिश्रुति एवं से प्रतिश्रुति पानी गार भली प्रतारणा रे परिणत होउछि, तनो बाध्य होई आमे राजरास्ता को आसुछु जहा फळरे आमर शिक्षार्थी माने मध्य बाधाप्राप्त तांकर पाठपढ़ा मध्य बाधाप्राप्त होउछि। मैडम वर्षक मध्य रे 60 दिन आपण हिसाब करथिबे चारि थोर आपण रास्ता को लेलेनि 2 मंथ्स जदि आपण धारणा रे बसिबे प्लाकार्ड हाथ रे धरिबे ताहले चॉक आ ब्लैकबोर्ड रो परिचय कोन एथि। निश्चित भाव में आपड़ जोटा कहते वर्षक मध्य चारिथर आसीचु से चारिथर आसवापी शिक्षक मानक अध्यापक मानक कर्मचारी मानक बाध्य करिछि किए बाध्य करिछन्ति सरकार केबेले जने शिक्षक हो बा अध्यापक हो से केबेले राजरास्तारे आसीबा को बसीबा पों चाहेनी, तार स्थान होछि से श्रेणी गृह, तार श्रेणी गृह रे से शांति पाए कारण शिक्षार्थी माने होछन्ति तार जीवन, किंतु काहे के को परिस्थिति रे आसीछन्ति सेटा सरकार ही निजे चिंता करिवार कथा।
जदि आपण देखिबे पूर्वरु मध्ये आपण अनेक थोर दाबी करिसेंती एवं आंदोलन को ओल्लैसेंती किंतु दाबी ग्रांटी नेट ब्लॉक ग्रांट शिक्षक आपण नहंती एबे कारण राज्य सरकार निष्पत्ति नैचेंती विज्ञप्ति भी अछि आम पाखरे जहाँ कि 1/1/2018 रु ग्रांटी नेट मध्ये लागू होला ता परे पुनी विरोध काई कि सुनंतु 2017 अगस्त 16 एही दिनटी रे आमर समस्त शिक्षक प्रथम रु आमर शिक्षक माने तांकर से अलग आंदोलन करथिले अध्यापक माने मध्ये अलग भाबरे आंदोलन करथिले किंतु 2017 अगस्त 16 रे समस्त एकाठी होई राजरास्ता को ओलेले कारण भिन्न भिन्न भाबरे से माने जो शिक्षार विकास लागि एवं निजर विकास लागि से माने जो आंदोलन करथिले से माने चिंता करि पारले जे आमे जदि एकाठी होई गोटे आंदोलन करिबो एवं गोटे मात्र कुचित प्रथा जोटा ब्लॉक ग्रांट उच्छेद ता विरुद्ध जदि स्वर उत्तोलन करिबो होय त आमे सफलता लाभ करबो निश्चित भाबरे आलोचना करबा किंतु अभिभावक हिमांश प्रसाद सिंह हिमांश बाबू जदि आपण देखिबे जणे अभिभावक हिसाब रे छात्र कोमलमती छात्र छात्रीं को भविष्य अंधार वर्तमान जणे अभिभावक हिसाब रे कोन कहिबे एठी शिक्षक मानक नार्ज्य दबी गुरुत्व ना सरकारंकर विधि व्यवस्था रे त्रुटि ना आंदोलनरत शिक्षक माने जोभली भाबरे आळो देखाई रास्ता को लहौचंती पाठपडा प्रभावित होउची वर्ष आरंभ रु ए दृश्य गोटे अभिभावक हिसाब रे आपण को व्यथित करूनी देखंतु ए जो शिक्षक मानकर पेट पाटणा आउ सरकारंकर जो अमलातांत्रिक व्यवस्था भितर वर्तमान फसी जाइचंती पिला आउ सेमानकर जो अभिभावक माने जेतेबेले आंदोलन आरंभ होउची पाठपडा बंद भय आरंभ हो जाउची खाता देखा केमिथि हबो कारण पाठ आंदोलनटा केतेबेले सरीबो किछि नै शिक्षक माने आसी रास्ता रे बसचंती सहस हजार हजार स्कूल वर्तमान पाठपडा हेइ पारने या भितर गोटे जेमिति शिक्षा व्यवस्था को नै कि विचित्र अवस्था सृष्टि होइछि तबर आउ गोटे कथा मु कहिबाक चाहूची जे जो ओडिशा रे जो पिला पाठ पढ़ुचंती शिक्षक माने जो पढ़ाऊ मैट्रिक परीक्षा देबे समस्त जो पिला मैट्रिक परीक्षा दौची सरकारी स्कूल रे से जो पढ़ुची जो ताकू जो शिक्षक पढ़ाऊ 30,000 to 6,000 दरमा पाथिया शिक्षक पढ़ाऊ 60,000 दरमा पाथिया शिक्षक ही पढ़ाऊ शिक्षकों दरमा गोटे रोच तेणुक सरकार जदि गोटे पिला गोटे प्रकार पाठ पढ़ी गोटे प्रकार परीक्षा दे आग को बढ़ुची सी परीक्षार नंबर ताप सामान प्रश्न सामान सब सामान ये जो भिन्न भिन्न व्यवस्था लागू होती तर ये जो आंदोलनटा बर्तमान आसी हूँ अभिभावक मैंने विशेषकर आमको तो सब चिंतार पकेला आम पिला परीक्षा देव खाता देखा हे कि ना गोटे बड़ समस्या बर्तमान परीक्षा दूर कथ बर्तन पाठपढ़ा भी पाठपढ़ा व्याहत स्कूल पाठ पढ़ेब किए बर्तमान पीक आवर आपन ए वर्ष खरा सकाश अधिका दिन स्कूल छुट्टी गले स्कूल विलंबर खोलिले पाठ शीघ्र केमी सारे तादर सरकार विभिन्न योजना उज्जवल उत्थान भाई योजना पशिच तेनालीर पाठ पढ़ा कोर्स केमी सर आप जो मैंने मैट्रिक परीक्षा देते आउ तीन मस दुई मस पर अधा षाणमासिक परीक्षा देखा पाठ पढ़ा बंद तेणुक मुत भावी ये जदि आंदोलन चले सरकार किसी गोटे पदक्षेप नियंती ये अधा पाठ पढ़ा बही ही सरीज कारण आप निजे जानते अधिकांश स्कूल विलंबर बही पहुंच डेरी रे स्कूल खोली आरंभ हो गया आंदोलन ये आंदोलन केवे सर तार किसी ना फेर भी शिक्षावित अच्छा सहित वासुदेव छाटोई श्रीयुक्त छाटोई जदि आप देखिए काउनसिल दीर्घ वर्ष धरी रही प्रोफेसर भाव कार्य कर जो समस्या ये आज समस्या नुहे कारण वर्ष वर्ष धरी ट्रेन चली गोटे विश्वास हो स्कूल खोलला आंदोलन हम परीक्षा आसला आंदोलन हम विधानसभा अधिवेशन आसूची प्लाकार धरी शिक्षक ओल्लैबे जे शिक्षावित हिसाब से आपड़ कौन फिल कर चिराचरित ट्रेंड एम चलु जोटा कि कंटिन्यूइंग प्रोसेस नेवर एंडिंग कहीं प्रथम जो ओई एक्ट होता 1969 से कौन सी अनुदान कथा नाला सरकार कही नथिले बे अनुदान आपण खोलंतु बोली एक्ट रे भी नथिला सरकार जो अनुदान दियंती से जेहेतु गोटे वेलफेयर गवर्नमेंट से कौन से अनुष्ठान को से अनुदान दियंती किंतु अनुदान जो जोर सर आसला से प्रश्न आसला जो मानक सरकार निजे अपॉइंटमेंट देना से मानक दरमा देवे कहीं से कौन करागला गोटे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड स्टेट सिलेक्शन बोर्ड करागला जो थे जो मानक सरकार द्वारा नियोजित हे लोक मैंने से मानक दरमा दिजो किंतु जितेबाला सेमती करागला से गोटे सरकार भूल रहा कौन ना जो दिन से सर्विस स्टेट सिलेक्शन बोर्ड काम कला से पर्यंत जी अध्यापक थी से समस्त को नियमित कर दिगला से जो भूल टी कले सरकार ताद्वारा कौन है ना कि न्यस्त स्वार्थ गोष्ठी लोक कौन कले ना ये अनेक अनुष्ठान खोलीगले जो थे मन ईच्छा लोक रखिले जार कि ठीक भाव में क्वालिफिकेशन था न था निजर निजर चिन्ह परिचय लोक से गोटे विधि भितर से आसिले एमती को बंद करने सरकार फिर 89 रे गोटे रूल कले कौन कले ना जो मैंने बर्तमान स्कूल कलेज खोलिबे से सरकार आदेश पाइला पर ही खोलिबे आउ से गोटे कंडीशन रखिले
ना जदि से स्कूल खोलुं महाविद्यालय खोलुं से आर्थिक व्यवस्था से निजे करेंगे से गोटे लिखिक लिखित भाव देवे किंतु ता परवर्त समय गोटे ग्रांट इन एड कथा आसला जोटा ओडिशा एजुकेशन आक्ट 1994 रे सेटा को भर्ती करला माने 7C जोटा आम क्लज 7C कहूचे कि गोटे क्लज रहा सरकार तांकर लिमिट भितर आर्थिक लिमिट भितर गोटे व्यवस्था करेंगे जहाद्वारू से अनुदान देवे किंतु वर्तमान जो अवस्था आसी तो 2004 ब्लॉक ग्रांट व्यवस्था करागला ग्रेजुअली से ब्लॉक ग्रांट धीरे धीरे 8-17 एमतीका 14 अलग एमती है वर्तमान से आसी ब्लॉक ग्रांट किंतु 2018 तो सरकार कहले ब्लॉक ग्रांट उच्छेद होगा भल कथा गोटे मानते स्वागत जो पदक्षेप किंतु वर्तमान मोर प्रश्न उठू जदि सरकार एमती 2000 कलेजर थी असंख्य लोक दरमा दे पारि ताल वर्तमान मात्र सरकारी स्तर में 53 कलेज स्टैंड अलोन प्लस टू कलेज कह मात्र 70 कलेज कहीं था लोक दवापी दरमा दवा सरकार कहीं चिंता करता निश्चित भाव में संयुक्त छात्र आलोचना करवा तेज दर्शक मानी आम सीधा सड़क प्रश्न रो जहाँकि ह्वाट्सअप जरिया फेसबुक जरिया आपण मतामत देपारे आम प्रश्न हूँ शिक्षकों आंदोलन जो पाठपढ़ा प्रभावित दायी किए ए रे अच्छी ऑप्शन शिक्षक बी रे अच्छी सरकार एवं सी रे उभय शिक्षक और सरकार दायी आपण निजर मूल्यवान मतामत देपारे आमको फेसबुक जरिया एवं ह्वाट्सअप जरिया देपारे कार्यक्रम बा डिबेट शेष पर्यायर आम आपको मतामत जनइबु शिक्षक छात्र जो भाव में आलोचना करुले गोटे समय थी जेहेतु शिक्षा को जदि उत्तम भाव में आम परिचालित करवा राज्यर जदि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करवा गुरु दायित्व हूँ राज्य सरकार सरकारी शिक्षानुष्ठान खोलिबा कहतु भित्तिभूमि जोगाइबा कहतु किंबा अनुदान दबा कथा कहतु जो आप इतिहास को जीवे ब्लॉक ग्रांट शिक्षकों गाँ गहली ब्लॉक रे एवं चारिआड़े जिते बड़े कॉलेज गढ़ी उठिला से शिक्षक राज्य सरकार कही नथिले आपण मानक कॉलेज खोलिबा आपण मानक कहुआ नथिला कौ आलरे नियुक्ति हेबो से जो व्यवस्था लागू होला सेथिरे सरकार चुप बसिबा तार कन्सिक्वेंस जार परिणाम आज भोगिबाक पडुछि कि ठीक कथा मु सही कथा कहुछि एटा ऐतिहासिक आमर भूल जोथरे आमे चुप रहिलु सत्तबळे जेतबळे छतु फुटला बेला चार स्कूल कॉलेज खोलला ताको खोलले जो माने सेमाने प्रभाव पकेले जे एटा केमती गोटे एड भितर को आसू से लोक मान जो मान से अपॉइंटमेंट देते निजर लोक कौन प्रकार नियम न मानिक अपॉइंटमेंट से दरमा दबार व्यवस्था करने से सरकारी स्तर चेष्टा कले से जो जिनसा है जो मैंने चाकरी कले से भूल कौट रही से तो न्याय दवा उचित तेणु सरकार वर्तमान चिंता करवा उचित जो मैंने राज्य रास्तार अच्छा से कमी उपयुक्त न्याय दिजो कि वर्तमान मुझे चाहे जो सरकार वर्तमान जो ऋण बाहर अच्छी प्रसंग को आसपी आप तथ्य देवी जोटा कि संभवपर कि नुहे अम्यवाला मैडम अच्छा मैडम आप दीर्घ वर्ष धरी चाकरी कले जितेबले जहाँ अशिष्ट छाटो कहते जितेबले कलेज खोला है सरकार कंट्रोल में नाला आप परिचालना कमिटी द्वारा निजुक्ति हेल्ले मुझ कथा व्यक्तिगत भाव जाऊनी आप संघर जब आप सारा ओडिशा देखिए विभिन्न पंचायत स्तर में ब्लॉक स्तर में विभिन्न अनुन्नत एरिया जो उच्चशिक्षा पहुंची नाला किसी परिचालना कमिटी कलेज खोल को निष्पत्ति ने स्वागत योग्य कि राज्य सरकार से अनुमति आवश्यकता नाला निज तरफ किसी प्राइवेट मेम्बर्स खोलें कलेज रिक्रुटमेंट कले परिचालना कमिटी आपको निजुक्ति देला हूं तो योग्यता आप अच्छी से पार्ट को मुझे चाहूनी कि निजुक्ति कले बिना दरमारे वर्ष वर्ष काम कले एक सत कि ना निश्चिंत भाव में शुणु आप कहे जो एसएसबी टा बंद है से निजे सरकार जो गवर्निंग बॉडी से गवर्निंग बॉडी जो हेड अच्छा सी तो सरकार प्रतिनिधि ना तेनालीम पूरा नीति नियम अनुसार आम मैंने सब अपॉइंटमेंट पाई निजुक्ति पाई आम योग्यता अच्छी जो भाई भाव में इंटरव्यू दे सब कर स्थान को आसीचु कि 2004 मसीह सब ठीक था 2004 जितेबले आम ब्लॉक ग्रांट प्रथम लागू है से जो आईन टा आसीथिला आमर जे आईन टा से फाइनेंशियल क्राइसिस को देखे कि ब्लॉक ग्रांट गोटे मुंडामुंडी भाव दरमा दिगला और जो मुंडामुंडी दरमा टा केते बले ना 2009 प्रथम पाइलु ब्लॉक ग्रांट से 11,139 मात्र थिला जन अध्यापक पाउथिला 11,139 धीरे धीरे बढ़ी जहाँकि बढ़ी केवल आंदोलन मध्यम ही बढ़ी 11,139 परवर्ती पर्याय 13,000 है 16,165 है 21,000 वर्तमान आम मैंने पाच जो 21,167 टाइम 70,000 डिमांड कर ना डिमांड आपण 70,000 कि नो वर्तमान क्राइटेरिया अनुसार जा मो पाखरे तथ्य अछि आपण सैलरी वर्तमान 70,000 पहुंचो ना आमे कोनोसी परिस्थिति डिमांड करनो सेटा हमर अधिकार सेटा हमर दाबी आमे निश्चित कथा बडा बुझि पारुनी जेतेबेले आपण को कॉलेज खोला गला आपण मान को रिक्रुटमेंट मिलिला बेसरकारी स्तर रे आपण नियुक्ति हेले कॉलेज रे शिक्षादान व्यवस्था कले हटात जदि डिमांड करिवे गवर्नमेंट को ठानिबे
बेसरकारी अनुदान प्राप्त बेसरकारी कॉलेज रे आमे तोले चाकरी कलु पांच सात नौ पांच वर्ष रे वन थर्ड सात वर्ष रे टू थर्ड एवं नौ वर्ष रे फुल दरमा आमे पाइबू एवं वुमेन्स कॉलेज एवं बैकवर्ड कॉलेज मानकर जो माने अछंती से माने तीन पांच सात आधार रे मध्य दरमा पाइबे तेणु सही आधार रे आमे जते बेले दरमा पाइथंतु किन जते बेले ब्लॉक ग्रांट टी हमर लागू होइगला सेते बेले समस्त हमर दरमा बंद होइगला तहले बे ग्रांटिंग को लागू कर लागू मानु नांती कहि आपन अफिडेविट दउ नांती टीचर प्राय 1500 अध्यापक वर्तमान ग्रांटी नेट को लागू करने जहाँ घोषणा करते राज्य सरकार से स्वीकार करफिडेविट भी देखते आपण मानक जहाँ संघर सदस्य मैंने अध्यापक अच्छा आफिडेविट ग्रहण करूना जहाँकि सरकार कहते सिग्नेचर करूँ चुक्ति दिंतु और सत्यपाठ दाखल करूँ से क्षेत्र में समर्थन देना गणतांत्रिक राज्य गणतांत्रिक राज्य में सरकार नीति निम को मानवे न्यायिक अधिकार सरकार तो सही कथा कहते हैं आप केस पुणी सत्यपाठ वर्धित सैलरी पाइबे पुणी अथर द्वारस्थ हे कोर्ट पुणी द्वारस्थ हे आंदोलन कले से ग्यारंटी किए देखी किए मत से क्या कहते बुझे दाखल कले असुविधा गोटे लोक नबे मसीह चाकरी अठानबे मसीह चाकरी कर सबकि समान कर सरकार गोटे ग्रांटनेट पॉलिस कले दबा समस्त को समान कर सहित से कले कौन ना जो माने केस जो भविष्य केस करें ना तेणु यहाँ गोटे आफिडेविट देते कहीं आफिडेविट आम अंडरटेकिंग तेणु से गोटे गणतांत्रिक राष्ट्र में गणतांत्रिक राज्य में गोटे न्यायिक अधिकार को क्षुण्ण कर सरकार कौन अधिकार ना आम मैंने केस करके नबू यहाँ तो कोर्ट में कही ना तुम मैंने केस करके कौन तुम अधिकार को नहीं पार्बे सरकार कहीं करश्चित भाव में मैडम आम आलोचना करवा आम बर्तमान जा लोअर पीएमजी से अच्छा प्रतिनिधि शुभलक्ष्मी बड़ अच्छा जहाँकि आंदोलनरत स्थल अच्छा लोअर पीएमजी सीधा सड़क रिएक्शन ना चाहिए शुभलक्ष्मी प्रथम जानकू चाहिए जेहेतु दिन बढ़ुची समय भी अतिवाहित होसंता काली डेडलाइन अच्छी जहाँकि शिक्षक संघर चेतावनी जे स्कूल जबेनि राजरास्त लड़े हम जिद्रे अटल रे कौन रही परिवेश निज जिद्रे अटल अच्छा आंदोलनरत शिक्षक और अध्यापक निहाती भावे देखंतु जिद्र अटल अच्छा जो भली भाव गोटे दाबी रही ग्रांटिनेड उच्छेद आउ पूर्ण अनुदान ए दाबी नहीं पुणी थे राजरास्ता को आज चतुर्थ दिन में पहुंची आंदोलन आपण मैंने देखी पारुथिबे आंदोलन जारी रही जो दाबी रही दाबी पूरण न होबा जाए एथर आउ प्रतिवाद रु बा आंदोलन रु ओहरिबनी बोली जहां चेतावनी देइछंती गोटे जिनस थिला जो आसंता काली बा सोमवार थारु स्कूल रे स्कूल बंद आंदोलन बा कार्य बंद आंदोलन करिवे बोली आपण मैंने जो चेतावनी देइथिले कोन काली थारु बंद करूछंती आपण मैंने ए राजरास्ता रे समस्ते शामिल हेबे ना कोन रहिबो ये प्रक्रिया जो आंदोलन आम कर सरकार आमको बाध्य कर आंदोलन करने षोल सतर अठर ए तीन दिन आम प्रतीकात्मक भाव आंदोलन करूँ शिक्षक अध्यापक कर्मचारी मैंने व्यक्तिगत छुट्टी आसी आम जाचु सरकार को 72 घंटे महल देखूँ कि गत काली आम स्टीयरिंग कमिटी बसला आम भी आम धैर्यर परीक्षा दौचु जेहेतु छात्र छात्री 30 लक्ष छात्र छात्री यादव प्रभावित होती आम आम धैर्यर परीक्षा दौचु सरकार को आज एक सप्ताह देचु 24 तारीख जाए समय देचु राज्य सरकार जदि 24 तारीख भितर ए दाबी पूरण दिगरे ठोस पदक्षेप नियंती ताले निश्चिंत भाव में स्कूल कॉलेज बंद रहइबो 30 लक्ष छात्र छात्री प्रभावित हे 60 हजार अध्यापक शिक्षक कर्मचारी राजरास्ता रहइबो भावना कि 24 तारीख पर्यंत जतबेले समय देइछंती या भितर पाठपडा बाधाप्राप्त हेबो बोली ना ना आमे पाठपडा को बाधाप्राप्त करिना हु आमे टोकन भाव में किसी शिक्षक अध्यापक क्लास चली आमर आंदोलन चली 24 तारीख सुधा आम सरकार आम कथा कर्णपात न करती परवर्त अवस्था आम गोटे कठोर पंथा नेबू जो थे निश्चित भाव छात्र छात्री को बाधा सृष्टि से सरकार दायी रही बारंबार प्रति दुई मास रे बा तीन मास रे जतिक दिन सरकार को मोहलत दिया जाउची तापर पूर्णी थरे अपन माने राजरास्ता को ओल्हाउचंती या द्वारा छात्र छात्री माने प्रभावित होउचंती बोली भाबुना दी पिलांकर पाठ पढा कारण प्रति दुई तीन मास रे थरे जतबेले अपन माने अपन को न्याय पाई राजरास्ता को ओल्हाउचंती छात्र छात्री मानंकर पाठ पढा रे बाधा प्राप्त होउची बोली भाबुनांती हाँ सीता तो ठीक कथा छात्र छात्री मैंने प्रभावित होती बोले कि भावुँ कितु सरकार कौन भाई पार्ना या द्वारा शिक्षक पर फैमिली के प्रभावित होती मानसिक स्तर से कैसे आघात पाँच के खराब से सही कि जो शिक्षक शिक्षयित्री मैंने जे माँ को सम्मान कौन माँ को सम्मान देती कौ शिक्षयित्री को सम्मान देती राजरास्तार पिला छुआ संसार धरी आस बसुच्छे सेटा कौन सरकार नुहे भाव ये कौन तार भाव गोटे कारण नुहे
24 तारीख पर्यंत आपण समय देइचंती भाबुचंती एही सप्ताहक भितरे किछिटा समाधान रो बाट बाहरिबो बोली नहीं देखु राज्य सरकार गोटे जनमंगल राष्ट्र निर्वाचित सरकार होते गोटे आंदोलन हुए जो दाबी हुए सरकार चिंता करा कथा जदि 24 तारीख भितर से समाधान बाहर करें आम आम समाधान बाहर करूँ जो परिस्थित हम राज्य सरकार से दायी रहा कारण ये दाबी आज नुए आज आम हठात कि आंदोलन चली आसनु आमको तीन मस समय दि जाइए 14-18 जुलाई पर्यटन मानव चीफ सेक्रेटरी देते सी कथा रखे नहीं बारंबार पिला ना आमको ब्लाकमेलींग करेंगे या दुर्भाग्यजनक कथा ओडिशा किसी हो नपे तेणु गोटे शिक्षक पेट अच्छी केते थर धर्मपद हो आमको मरवाक पड़ो तार हिसाब दिंतु जदि गोटे पूर्णवंदा नदे चाकरी सर्तावली नदे मुझे जो रिटायरमेंट हेबी कौन जो शिक्षक यही मस से रिटायर्ड करे से कर कौन तापर से ही धारा मत दिंतु भिक मागे घास काटे ना नचे आउटे क्रिमिनल हे से बाट पचारा उठी पड़े आंदोलन आपर बहुत दिन आंदोलन बहुत थर राजस्ता को ओल्लैंट प्रतिश्रुति मिली पुणी थे आपर्जे वर्तमान पुणी सप्ताह समय देखते समय भितर समाधान बाट बाहरी भाई सरकार गोटे कंटिन्यूस प्रोसेस सरकार विरुद्ध आंदोलन गोटे कंटिन्यूस प्रोसेस जिते राज्य सरकार गोटे समस्या को समाधान करूना दीर्घ 24 वर्ष धरी लगे रखिंट आंदोलन करने बाध्य शिक्षक कर्मचारी मान कि तार गोटे सीमा अच्छी इलास्टिक जमी तार भिड़बार गोटे सीमा अच्छी तापर ता छिंडी जाए तेणु राज्य सरकार जो पर्यटन ये समस्या को टाली चली थे तार भी गोटे समय सीमा जेहेतु हजार हजार शिक्षक शिक्षयित्री अध्यापक अध्यापिका राजरास्त अच्छा पाठपढ़ा प्रभावित होती जिद धरवा द्वारा यह छात्र छात्री भविष्य सहित एक खेल नुहे कि यहाँ गोटे ब्लाकमेल नुह कि शुभलक्ष्मी शुणी पार्टी प्रश्न एभली जीत एभली आंदोलन एभली नाराबाजी करिबा राजरास्तारे पाठपढ़ा आरंभ रु जहां एभली धारणा दबा आंदोलन करिबा नाराबाजी करिबा छात्र छात्री भविष्य सहित गोटे खेल नुहे कि कारण पाठपढ़ा आरंभ रु शिक्षक मैंने राजरास्ता को ओल्लैले निहत भाव से विषय में ही पचार बुझा जितेबाला पाठपढ़ा आरंभ हो राजरास्ता को ओल्लाउंटा गोटे छात्र छात्री भविष्य प्रति प्रति गोटे कौन ब्लाकमेलिंग हो नहीं पिला पाठपढ़ा क्षति हो ब्लाकमेलिंग करवा शिक्षक केवे शिखिनी एटी से प्रयोग करूनी राज्य सरकार से ब्लाकमेलिंग शब्द को जानते राज्य सरकार 24 वर्ष धरी शिक्षक को ब्लाकमेलिंग कर अभाव असुविधार घाटी होता शिक्षक निजपाई केवल से आसनी राजरास्ता को निज सहित पिला पाठपढ़ा जब सब दिन पर्यटन हो पार स्कूल कलेज बंची पार अवसर पर शिक्षक बंची पार से शिक्षक राजरास्ता को आसी ए पिला क्षति होती सर्वागे राज्य सरकार ही दायी कारण राज्य सरकार होती निर्वाचित प्रतिनिधि गोटे गण गोटे गणतांत्रिक पद्धति निर्वाचित सरकार यहाँ गोटे जनमंगलकारी राष्ट्र ये राष्ट्र कर्तव्य प्रथम कर्तव्य हूँ से राज्यर पिला स्कूल जगेब शिक्षकों पर दरमा जगेब शिक्षक निजुक्त करेब यहाँ तरह प्रोसेस से व्यवस्थापक बहुत बहुत धन्यवाद जहां आम प्रतिक्रिया हस्तगत होता और सीधा सड़क शिक्षक मैंने निजर असंतोष जाहिर कर पुणी फेरबी स्टूडियो आलोचना को हिमांशु बाबू जेहेतु अभिभावक हिसाब से आज शुणुते सीधा सड़क शिक्षकों क्षोभ अध्यापकों क्षोभ जे स्थिति और परिस्थिति आमको बाध्य राजरास्ता को ओह्लैवाई सरकार दायी सेपटे छात्र छात्री जदि पाठपढ़ा जदि देखा तेल शिक्षक मान रियाक्शन आप शुणुते से असंतोष अच्छा केवल से नुहे दुख भी करहबार और छात्र छात्री भविष्य जदि अंधकार आड़क जाए राज्य सरकार दायी अभिभावक हिसाब से आपको कौन लगुच आउ स्थित स्वाभाविक हम ना ये चिराचरित ढंग से जब आंदोलन चले तो पिला भविष्य कौन पाठ पढ़े केमी क्लास किए करोर्स केमी छड़ब परीक्षा बेलू कौन हम स्थित टिके आगुरु आप जो मैडम कहते हैं 2009 दरमाटा बढ़ी जी 11,000-21,000 पर्यंत आवल आंदोलन नहीं ताने नियमित आंदोलन कले दरमा बढ़ुच्च सरकार जानते आंदोलन करेंगे से आंदोलन को देखी दरमा बढ़ाऊँ कि आर भितर देखिए गोटे गोलक धंदार केवल फसी जाऊँगी अभिभावक मैंने जिते आंदोलन होधिकाश जगार देखिए शिक्षक मैंने जाकि अभिभावक मान निकट में पहुंचे आप सृष्टि करूँ सरकार भी अपेक्षा करभिभावक मैंने ओलटा चाप सृष्टि कर शिक्षक मानते आसी पाठ पढ़ात ये जो आर भितर पाठपढ़ाटा संपूर्ण भाव व्याहत हो जाए कारण गोटे पाठपढ़ा मूलर जो हाईस्कल स्तर पर्यटन देखिए जो सरकार पाठ्यपुस्तक जोगाण हो विलंबर हो स्कूल खरा छुट्टी सकाशे विलंबर है शिक्षक आंदोलन पाठपढ़ा सर कमी
आज संडे डिबेट जहाँकि आम शिक्षक आंदोलन संपर्क में वितर्क करुचे तेरे वितर्क को आगे ना पूर्व सीधा सड़क जानवाक चाहिए जेहेतु आम बालेश्वर प्रतिनिधि सत्यजित सेनापति अच्छा जे कि अभिभावक संगे आलोचना करसत शुणा ये आंदोलनरत शिक्षक को नहीं कौन कहते तीन दिन है राजरास्तार बस शिक्षक और अध्यापक तर जो ब्लकग्राउंड उच्छेद दाबी नहीं से बारंबार आ पूर्व आंदोलन करते आंदोलन जारी रही है तेज तीन दिन से डेडलाइन देते सरकार को सरकार आलोचना करवा दरकार और जो समस्या अच्छी तरह समाधान करवा दरकार तेज ना आगामी दिन में श्रेणीगृह उच्छेद करने धमक देते तेरे एने आम सहित अच्छा बालेश्वर किसी ब्लकग्राउंड शिक्षक अच्छा आलोचना करवा सर कौन कहे आप प्रकृत में आपको जो कौन सब दाबी रोचे और सरकार आप दाबी मानवाई कौन कौन सब रास्ता आपर मुख्य दाबी है ब्लकग्राउंड उच्छेद करवा से दाबी सरकार कहला भी पालन करूना अगस्ट 16 दाबी दिवस रे 60-70 हजार शिक्षक भुवनेश्वर से एकत्रित आंदोलन कले तीन दिन कह आंदोलन करने या मध्य सरकार डाकी ना कि किसी आलोचना करना आम दाबी संपर्क में कौन सी सरकार द्वारा निदाविष्टु पूरा सा तेणु आमर काली निष्पत्ति आगामी 21 तारीख में पुणी महासमावेश हम एवं 24-25 पर्यंत धारणा कंटिन्यू करिवो गोटे 30-31 वर्ष चाकरी कर सारा पर दीर्घ दिन अपेक्षा कर रही से ग्रांटी नेटा नेबे ओडिशार मुख्यमंत्री कहिले ब्लॉक ग्रांट उच्छेद है तुमको पूर्ण अनुदान दिगला मात्र परवर्ती समय सहित गोटे इंटिमेशन जुड़े डेपिडेपिड जोड़ीदे जहाँकि शिक्षक स्वाभिमान को से बड़ी पकड़े आम जदि से ग्रांटी नेटा को ग्रहण करूँ तेल आमको गोटे एफिडेविट सत्यपाठ देवाक पड़ो जे आम केस करूँ ना जदि केस थी उठे आणवू या ठार बोली जनमंगल राष्ट्र आउ खबर परितापर विषय कौन थे आम से कथा बारंबार जनाऊु शिक्षक मान तरफ राजरास्त बसुचु शिक्षक मैंने सचेतन कर सरकार को जहाँगला आम सरकार को सहयोग करूँ किंतु से मैंने तुरंत दाबी आमर मानि नियंतु गुरु जिनसटी बदनाम न हो कारण गुरुर काम होगा पिला मनीष करेंगे जी पिला जब मनीष अवहलित फ्यूचर अवहलित भविष्य अवहल रहा है सेटर प्रशासन मानने आउ खराब कथ कि दुनिया में ना मो मत प्रशासन मानवा कथा मानि जाऊ प्लस गुरु को कर्तव्य करने दिखुत प्लस पिला बढ़ाया भविष्य सागर से न खेल न करूँ आम संघर नेतृत्व मैंने कहे कौन जो सरकार प्रतिश्रुति दे कि छुट्टी दिन मानक क्लास हम पिला भविष्य के नष्ट हम ना किंतु एते परे भी सरकार हूँ शिक्षक मान प्रति प्रतारणा करुछन जो आलोचना कराऊँगी से आलोचनार प्रतिफल किसी मिलू ना से बाध्य मैंने कौन सरकार विरुद्ध आंदोलन करने निश्चित जो भाई जो शिक्षक मान अध्यापक मान जो मत था पिला कौन क्षति हम ना जदि सरकार दाबी मानि मानि जो जो दाबी रही है पूरण हुए तेणु से छुट्टी दिन में क्लास करने को प्रस्तुत अच्छा पिला कौन क्षति हो ना शिक्षक देवे ना अभिभावक देवे समस्ते अनुरोध कर सरकार को कौन प्रकार ये जो रही आंदोलन रही समाधान कराऊ समस्त दाबी पूरण हो किसी दाबी पूरण हो कि शिक्षक मान मना जाऊँ और श्रेणीगृह को यथाशीघ्र फेरे दि जाऊ जहाँफल छोट छोट छात्र छात्री मानक क्षति हम ना बालेश्वर कैमरामैन सुनील दत्त सत्यजित सेनापति न्यूज 18 ओडिया निश्चित भाव में आम बालेश्वर शुणुले रिएक्शन जहाँकि टीचर्स मैंने अभियोग करुले शीत छाटो आलोचन जेहेतु शिक्षावित हिसाब से आज सामिल होती ये सांप्रतिक स्थित जब आप देखिए जहाँ स्टाटिस्टिक्स मो पाखे अच्छी 2017-18 राज्य सरकार 14,348,22,00,000 टंका ऋण करिसंती जो थरे कि ओपन मार्केट रु अच्छी 8,000 कोटी आपड़ जदि 2017-18 पर्यंत जदि आपड़ ओवरऑल देखिबे 76,483,00,000 पाखापाखि जहाँ एते ऋण भार बढ़ी एवं जहाँ 2018-19 जहाँ बजेट चलित बजेट बजेट देखिए जदि से प्राय 91,943 crore ऋण भार मध्य बढ़ी जाइपे ये जो आर्थिक दुर्दिन स्थिति गोटे पटे ऋण भार बढ़ुची गोटे पटे राजस्व कमी जुलाई में केवल जब आप देखिए जेहेतु 2017-18 14,000 कोटी टंकार ऋण कर सारे 8,000 कोटी जोटी अच्छी ओपेन मार्केट रु ये स्थिति जदि देखिले जहाँ टीचर्स मानक जेन्युन डिमांड हुए से जिद्रे अटल रुहति वर्षक 800 कोटी टंकार बढ़न पड़ ये जो परिसंख्यान को देखिले आर्थिक स्थिति देखिले भावुंत कि आपे शिक्षक मान दाबी पूरण हम मुझे से मूलर कही कारण वर्तमान जो प्रकार आम आर्थिक व्यवस्था अच्छी तारी भितर शिक्षक मानक पूर्ण अनुदान दवा भी कष्टकर व्यापार किंतु जेहेतु सरकार अनुदान देवे कहले तो गोटे स्वागत जो पदक्षेप कि बर्तमान शिक्षक मान टे सतर्क होचित
যে আমার যেমি আমি ঋণভার আমার অছি যদি আমি বর্তমান লোকসংখ্যা যেটা আমার 2011 জনগণনা 4.2 কোটি টঙ্কা 2 কোটি লোক লে বর্তমান 4.37 কোটি মতো পাখাপাখি হয়ে গেলে সেমি হিসাব কলে আমার মুন্ড পিছা ঋণভার 17,000 টঙ্কা হয়ে যাচ্ছে তেমন আমি সেইভাবে অবস্থার লাগে আমি নিশ্চিত ভাবে গোটে প্রথম কথা কহা উচিত যে আমি গোটে ছোট পিলা জন্ম হেলা মানে বাপা মাঙ্গর উদ্দেশ্য রয়েছে কোণ না পিলাটি বড় হলে কোণ হব না সে আইএস অফিসর হব সে তো কেবে কহুনি শিক্ষক হব বলে যদি মানুষ গড়ুথা কারখানাটি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আগুক যাই সমাজের অবস্থা কোণ হব তেমন আমি যদি শিক্ষক মানি পয়সা খরচ করা কণ্ঠাবোধ করা তাহলে নিশ্চিত ভাল কথা নুহে কারণ আমি সমাজটা নষ্ট করছি জাঁ জাঁ তেমন আমি কৌশি প্রকার চিন্তা করা যে রাজরাস্তার অনেক যে শিক্ষক মানে সেমানে কেমতি ওহরি যাতে তাঁর এই দাবি তাঁর কিছু পূরণ হোক সে আন্দোলন করছেন আলোচনা করবি কিন্তু জন কলর অনেক ব্রহ্মপুর অনেক সঞ্জয় অনেক সঞ্জয় জাঁয়া চাহিমু কম কহবে আপনার যেহেতু শিক্ষক মানে আন্দোলনের বসছেন ধারণার বসছেন আপনার প্রশ্ন কম রহব এবং কম কহবে চাহিবে আজ্ঞা নমস্কার এমিতি জন পুষ্টিপুষ্টে জন্ম হয়ে সে গুরু বিনা উপরকু উঠিপার কিন্তু আজ এ যে গুরু রাজরাস্তার খরা বর্ষা শীত শুই এ যে রাজরাস্তার বসুচি আমাকে বহু দুঃখ লাগুচি ও যে গুরু নাম প্রতি এত অপমান করা যাচ্ছে যে আমি আপনার মাধ্যমে রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করছু তুরন্ত গুরু মানুষ তাঁর যাহা বি তাঁর পদক্ষেপ গ্রহণ করে সে স্কুল নিয়ন্তু কমপাই এ যাচ্ছে অপমান গুরু প্রতি গোটে বড় অপমান নিশ্চিত ভাবে ধন্যবাদ যা শুনুলে সঞ্জয় কৌলে গুরু প্রতি গোটে অপমান অণ আপনার গুরু দিবস আসলে বি কলা দিবস পালন করছেন আপনার ডিমাণ্ড ফুলফিল হোক কিন্তু শ্রীযুক্ত ছাটই যদি বাস্তব স্থিতি আমি আলোচনা করুলে আর্থিক স্থিতি দেখলে এত বড় জেনুইন ডিমাণ্ড হয়ে থাইপরে কিন্তু পূরণ করা যা আমার পক্ষে যা সূচনা আছে গভর্নমেন্ট হয়তো আর কিছু নয় ব্যবস্থা লাগু করে পারে আলোচনা চালছে কিন্তু যে 20 বর্ষ 15 বর্ষ ধর যে চাকরি করে আসছেন সে দাবি হচ্ছে যেদিন আমি সর্ভিসে যোগ দেলু সেই দিন ঠার আমার দরমা মিলু এটা সম্ভবপর কি সেটা তো সেই সেইপাই তো সরকার পছঘুঞ্চা দৌঁচান কারণ যেহেতু আর্থিক ব্যবস্থা সেটা সচ্ছল নুহে সরকারঙ্কর আউ এই বাবদরে সেমতি আলটমেন্ট কিছু করে না সেইপাই এত টঙ্কা দেওয়াপাই দেই পারুনান্তি বলে পছঘুঞ্চা নহলে তো সেবেটু আনাউন্স কলেনি সে করে দিয়ন্তে কিন্তু আমি যে দাবি করছে যে আমার যেদিনটু হেলানি সেইদিনটু বর্তমান দেওয়াপাই বর্তমান সরকার দেবা অবস্থায় না সেটা কালক্রমে দেবে কিন্তু বর্তমান যাহা দেউচন্তি সরকার তাকে গ্রহণ করি আমি আমার কর্তব্য করা উচিত নিশ্চিত ভাবে যেহেতু আমার ফোন লাইন ওপেন অছি অহমদাবাদ রু মধ্যে জন দর্শক ফোন করছেন কুহন্তু আপনার প্রশ্ন কম রহব মোর প্রশ্ন রহব এই যে শিক্ষক মানে বর্তমান প্লেটি বারম্বার শিক্ষাকে প্রভাবিত করছেন এদ্বারা অভিভাবক এবং যে শিক্ষা পাচ্ছি ছাত্রটি ইয়ে তার মানে হত্যার শিক্ষক মানে মানে নির্দোষ সে দণ্ড পাচ্ছে সরকার নচাইবা সত্ত্বে শত্রু ফুটলা ভাবে সে নিজে মানে স্কুল কলেজ খোলি ও নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাউ বা ন থাউ নিজের সম্পৃক্ত দ্বারা গোটে ম্যানেজিং কমিটি করে তা দিয়ে ভর্তি হয়ে বিভিন্ন প্রকার অসত মার্গের অবলম্বন কারণ যদি সে প্রকৃত মানে শিক্ষাবিদ সে শিক্ষক তাহলে সে জ্ঞানর পরিপ্রকাশ ঘটু এবং জ্ঞান দ্বারা সে ভর্ত মানে গোটে এড্রুভেস করতু বর্তমান যদি সরকার গোটিয়ে খেলে সামান্য ভাবে গোটে মানে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা তাঁকু নেওয়াকে চাইবে সে মু 100% সিওর সে 100% ফেল হবে নিশ্চিত ভাবে আপনার মতামত আমি শুনিলু নয়াগড় অনেক সঞ্জয় বাবু অনেক সঞ্জয় কম পচারিবাকে চাহিবে যেহেতু শিক্ষকঙ্ক প্রসঙ্গে আজ আমার বিতর্ক রয়েছে স্যার শিক্ষক মানে যে বর্তমান 18 সরকার 15 বর্ষ মাগণারে খটেলে পুরি তাপরে আহ 15 বর্ষ খটে লোক রিটায়ারমেন্ট হওয়া যাচ্ছেন লোক রিটায়ার হয়ে সারলে কিন্তু কিছু নপাই সে বর্তমানে ভিক মাগুছেন এবং এই ভিতরে বি লোক মানে মরিগলে হ্যাঁ এই কিছু টঙ্কাটি নপাই মরি তাঙ্ক পিলা ছ মানে বর্তমান দাণ্ডর ভিকারি বুঝলে এ প্রকার আপনার এই প্রকার প্রোগ্রাম ব্যবস্থা আপনাইলে এবং তা পূর্বর মধ্যে প্রোগ্রাম দেওয়া পূর্বর 15 বর্ষ মাগণারে খটেলে যে ব্যবস্থার কিছু শিক্ষক মানে ভিক মাগুছেন নিশ্চিত ভাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ ম্যাডাম জানিয়ে চাহিমি যেহেতু 2টি প্রশ্ন আসছিলা প্রথম প্রশ্ন যা কি অহমদাবাদর কে যে আপনার ভবিষ্যৎ সহ খেলুচার কারণ যে শিক্ষক মানে আজ দায়িত্বরে অনেক স্কুল হোক কলেজ হোক সেমানকর যোগ্যতা কম লা সেমানে কেউ পরীক্ষা আড়ে নিযুক্তি পাইলে সেমানকু রাজ্য সরকার নিযুক্তি দেই নথিলে যদি টেকনিক্যাল দেখিবে আপনার সরকারি কর্মচারী নুহতি মো ফুল্লি আডেড কথা কুচি এভাবে স্থিতিতে হঠাৎ আপনার জিদ ধরা হঠাৎ দাবি পূরণ করা ডিমাণ্ড করা এটা যুক্তিযুক্ত নুহে অন্যপটে যদি আপনার দেখবে যেহেতু 15 বর্ষ লগাতার কাম কলে বিনা দরমার পুঁড়ি 15 বর্ষ অতিবাহিত হয়ে গেল এবার হঠাৎ ডিমাণ্ড করছেন দীর্ঘ বর্ষর যে দাবি পূরণ হয়নি যেকোন সরকার অমলের হঠাৎ এবে আগক ইলেকশন থাকার এভাবে ডিমাণ্ড করছেন কি আপনার
ना आपण जोटा कहले फुल्ली एडेड कॉलेज बोली आमे माने सब सही एडेड कॉलेज रे आमे चाकरी करछु एवं गोटे नियम परिसरभुक्त मध्ये आमे माने ऑटो 2017 अगस्त 16 रे जते बेले आमे माने आंदोलन को ओल्हेलु सते बेले माननीय मुख्यमंत्री निजे सेप्टेंबर 1 तारीख रे घोषणा करथिले ब्लॉक ग्रांट उच्छेद करा गला एवं पूर्ण अनुदान दिया गला बोली घोषणा करथिले किंतु जते बेले सीधा कागज पत्र बाहरला आमर सते बेले कोन होला ना ता सहित गोटे ऐड करा दिया गला जे एफिडेविट दिया जियो बोली जोटा देबा उचित नै आमे अंडरटेकिंग दबो एवं सही जो मार्च 4 तारीख रूम आंदोलन को ओल्ल जो मूल्यायन एवं परीक्षा बर्जन करूँ से समय निज चीफ सेक्रेटरी डाक आलोचना आलोचना से आलोचना करें कहे आम मैंने जो ऋण भार होती जो आर्थिक भार होती आम मैंने किसी तौक गले आपचित ओहरिया उचित से आम मैंने सहित एकमत होती आम मैंने जो दिन ठूँ जॉन कर दिन ठारक दि से बैठक रे तो अर्थर बाध्यता अच्छी बोली अर्थर डेफिसीयसी अच्छी बोली आम जानी पार नी मुख्य शासन सचिव से दिन दर्शे अर्थर बाध्यता ना आउ दाबी शिक्षक मान दाबी अच्छी तीन मास समय फुलफिल करने तेणु गोटे अर्थर तो संकट ना तर आए परिप्रेक्षी देखा गले आमर जो केन्द्र सह राज्य तो ताल मिले गोटे गोटे नुआ नुआ पॉलिसी इंप्लीमेंट कर अर्थर बाध्यता ना ये सरकार निश्चित भाव में जहाँ असंतोष था दर्शक मानकर शिष्ट छाटे जी आप देखिए अर्थ बाधक नुहे केवल सरकारी उदासीनता दुई जन कलर आम प्रतिक्रिया रखुते जेहेतु सरकार नैतिक दायित्व अच्छी शिक्षक मान सहित आलोचना करेंगे दाबी पूरण करेंगे जहाँ दर्शक दुई जन मत दे तो जो अर्थ बाधक टाइम जहाँ मुख्य शासन सचिव अध्यक्षतार मीटिंग होता है से क्या तालोले दाबी पूरण होनी कहीं कौटी रोची पछघुंचा कहीं दौरान कौन प्रतबंधक थपे जन शिक्षावित हिसाब से आप कौन फिल कर भावुँ केवल अर्थ बाधक ना सरकार दवा उचित कारण शिक्षक मानक जदि ठीक पैसा न दि जाए से पाठ पढ़े केमतिया भल मोर मूल कथा जदि आम शिक्षक मानक भल पैसा दबानी तांकर जदि समाज सम्मान रहिबानी ताले भल छात्र छात्री माने काहे कि शिक्षक हेबाक चाहिबे जदि भल छात्र छात्री माने शिक्षक न होबे ताले भल शिक्षा दबो कि आ समाज गढ़ी हेबो केमती आमे गोटी गोटी उदाहरण नबा आमे सबुबळे फिनलैंड मॉडल कथा कहूचे गोटे फिनलैंड रे जदि शिक्षकता करिया को हुए से माने टॉप 10% जो माने रखंदे मार्क सेई मानहु केवल शिक्षकता करिया को सुजोग दिया जाए सेठी सुजोग रे एठी सुजोग रे प्रश्न उठनी काहेकि ना गोटे लोक शिक्षक हेबाक चाहूनी तेणु जदि शिक्षक हेबाक चाहिबो ताहेले भल पिला भितर आम बाछिबा जे ए पिलाटी शिक्षक करिबो शिक्षकता करिबो ना नाही तेणु भल पिलाटी केमिति चाहिबो शिक्षकता करिया पे केवल जदि आम अधिका दरमा शिक्षक मानू दबा निश्चित भाव आउ जने कलर अछंती आम सहित भुवनेश्वर रु अनन्या फोन करछंती कोन कहिबे अनन्या कोन रहिबो प्रश्न आपनकर आज्ञा नमस्कार मोर प्रश्न रहू छी जे आमे जे माने मु गोटे अभिभावक कहू छी शिक्षक मान भल भाव शिक्षा दान कर जो कलेज सब शिक्षक शिक्षिका मैंने आसी से माने अनेक पिला मनीष कर सरकार राज्य सरकार कौन करता जोता साइकिल लैपटॉप एगुड़ा सब मागणारे दौरान कितु जो शिक्षक टी शिक्षा दान कर पिला प्रकृत शिक्षा दौरान से प्रति राज्य सरकार एत उदासीन कौन पाई से किसी निर्दिष्ट गोटे प्लान करते
ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତିରିଶ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧରି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକା ମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ବି ଭାବିବାକୁ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଭାଲ୍ୟୁବଲ୍ ଭିୟୁ ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଅଭିଭାବକ ଅଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁ ବାବୁ, ଏ ଯୋଉ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଜିତ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଅଭିଭାବକ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କି ଯଦି ଦୁଇ ମାସ ଧରି ବର୍ଷକୁ ଯଦି ତିନି ମାସ ଦୁଇ ମାସ ଅଢ଼େଇ ଯାହା 45 ଡେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ, ଏଭଳି ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପଡ଼ିବ, ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ସହଯୋଗ କରିବେନି, ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଭଳି ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରକାର ଖାତା ଦେଖିବେ, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିଦେବେ, ତ ଗୋଟେ ପଟେ କୋର୍ସ ସରୁନି, ପରୀକ୍ଷାରେ କିଏ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆଡମିସନ୍ କରେଇବା, ଏଇ ଭାବନା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ, କାରଣ ଭରସା ପାଉନି ଆଉ ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଉପରେ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହିଁ ବାସ୍ତବତା, ସେଇଟା ହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ହେଉଛି ବି। ଆମର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷାଟା ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି, ପାଠପଢ଼ା କେତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ଆପଣ ଉଜ୍ଜଳ ଉତ୍ଥାନ ଉତ୍କର୍ଷ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ଛବିଳ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଶିଖେଇଲେ। ଯଦି ପାଠପଢ଼ାଟା ଠିକ୍ ହେବ, ପାଠପଢ଼ା କେତେବେଳେ ଠିକ୍ ହେବ ନା ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଭଲ ହେବ, ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି, ଶିକ୍ଷକମାନେ କମ୍ ଦରମା ପାଇବେ, 6,000 ଟଙ୍କାର ଠିକା ଶିକ୍ଷକରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, 6 ବର୍ଷ ପରେ ନିୟମିତ ହେବେ, ଆଦରେ ଭଲ ପିଲା ଯେଉଁଟା ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଛାଟୋଇ ସାର୍, ଭଲ ପିଲା ଏଠିକି ଆସିବେ କେମିତି? ଏଠିକି ଏକରେ ଆସିଲେନି। ଦୁଇରେ ହେଲା, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚିନ୍ତା, ଯେଉଁ ଆମର ଋଣ ଭାର ବଢ଼ୁଛି, ସରକାର ଋଣ କାହା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ସରକାର ଋଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଯିବ, ଆପଣ ଯେତେ ଋଣ କରିକି ବିକାଶ କଲେ ସେ କିଛି କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ପ୍ରାଇଭେଟ, ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ନିୟମ କରିଦେଇଛନ୍ତି, 10ରୁ କମ୍ ପିଲା ଯେଉଁଠି ଥିବେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ମର୍ଜ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖିବେ ଏ ସ୍କୁଲର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ସରକାର କହୁଛି ନା ନା ଆମେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରୁନୁ, ଆମେ ନେଇ ତାକୁ ପାଖ ସ୍କୁଲରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛୁ। ଆ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସରକାର ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର କିଛି ଅର୍ଥ ବଞ୍ଚିଯାଉଛି, ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷକରେ କାମ ଚଳିଯାଉଛି, ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସରକାର ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା, ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜିର ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାରଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଅଭିଭାବକ ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବିଶେଷ କରି ଅଭିଭାବକମାନେ ଫସିଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଅଭିଭାବକ ଦେଖୁଛି ତା ପାଖ ଘର ପିଲା ଯିଏ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛି ସିଏ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି, ସେଠି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ନାହିଁ, ସେ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରୁଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇକି କି ମାନେ ଭୁଲ କରିଦେଲି କି, ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତାର ପର ପିଲାଟିକି ସିଏ ଆଉ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିଲେ ଆଶୁତୋଷ ଛାଟୋଇ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କାଉନସିଲ୍ରେ ଥିଲେ, 488 କଲେଜ କୁହନ୍ତୁ, 662 କଲେଜ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଛି କେମିତି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହୁଏ? ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ କଲେଜର ରେଜଲ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତିକି ଆମେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇଛି ବା ହେଉଛି, ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବି କମ୍ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ତ ସବୁବେଳେ ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଏ ଯେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ କମ୍ ଦରମା ପାଉଥିବା ଶିକ୍ଷକଟିଏ କେମିତି ଏମିତିକା ପିଲା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ଅଛି। ମୁଁ ତ ନିଜେ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହୁଥିଲି, ବରହମପୁରରେ ଥିଲାବେଳେ ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗର ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ରୁ ଦେଖିଛି ସେମାନେ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ସେ ଶିକ୍ଷକ କେମିତି ଦିନରାତି ଲାଗିଥାନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ପଛରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନେ, ଆମେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହଉ ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହଉ, ଆମେ ଆମର ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଦେଖୁ, ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ସହିତ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 2015-16, 16-17 ଏବଂ 17 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ କଲେଜରେ 85%ରୁ ଅଧିକ କେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନମ୍ବର ରଖିନାହାନ୍ତି। ଟପ୍ 20 ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ, ଅଧିକାଂଶ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଗଣତି, 3ଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, 10ଟି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ କମ୍ ପିଲା ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନିବେ ଆପଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ସାର୍ ଯୋଉଟା କହିଲେ, ରେଜଲ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନା ନା, ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ସାର୍ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ସେ 85%ରୁ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜରେ ନାହାନ୍ତି। ନା ନା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାଟା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣ ମୂଳ କଥାଟାକୁ କାହିଁକି ଯାଉନାହାନ୍ତି?
ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ପାଠ ପଢେଇବ ତାହେଲେ ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ ହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଏଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଏ ଦବ? ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହବ, ଏଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଏ ଦବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଠ ପଢେଇବାକୁ ହେଲେ ବା କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତା ପେଟ କଥାଟାକୁ ବି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ସରକାରଙ୍କର। ସରକାର ଗୋଟେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁନୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ସେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଗାଁଟା ଦେଖାଯାଏ ତାର ଧୋବାତୁଠରୁ ଦେଖାଯାଏ, ଗାଁ ପରିମଳ ଧୋବାତୁଠରୁ ଯେପରି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ତାର ପରିଚାୟକ। ଶିକ୍ଷାଟା ଯଦି ଯୋଉଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉଠି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଯୋଉଠି ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବସୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଦାବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ, କାହିଁକିନା ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଚାହାନ୍ତିନି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ଘଟୁ ବୋଲି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରିବା, କଟକରୁ ଅଛନ୍ତି ଜୟ ମହାନ୍ତି, ଯେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କିଛି ଅଭିଭାବକ ଏବଂ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କଟକରୁ। ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ସରକାରଙ୍କର ଏହାର ପାତରନ୍ତ ନୀତି, ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ଶିକ୍ଷକ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝାଯାଉ, ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସବୁବେଳେ ରାଜରାସ୍ତା ଗଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁକରି ଏ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତୁରନ୍ତ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କଥା ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଅଫିସର କୁହନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କଥା ସବୁ କଥା ବୁଝି ଦେଇଛୁ, ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରୁଛୁ, ବୁଝାଯିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ସରକାର ଏଥିରୁ ଟିକିଏ ଶୀଘ୍ର ତା'ର ତୁରନ୍ତ ଫଇସଲା କରିବା ଦରକାର। ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି 1994 ଶିକ୍ଷା ଆଇନ, ତାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉ, ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଉ, ଏ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ନାଜ୍ୟ ଦାବି। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ଶିକ୍ଷକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ତ ସବୁବେଳେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସବୁବେଳେ ତ୍ୟାଗ ମନୋଭାବ ନେଇ କାମ କରିଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି, ଯାହା ମିନିମମ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି, ସେଟାକୁ ଯଦି ପୂରଣ କରାଯାଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ହିସାବରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆଜିକି ଚାଲିଛି, ଆଜିକି ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି ଯାହା 2-3 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ସଂଘର୍ଷ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ଧରିଲାଣି, ଯାହା ଆମେ କାଲି ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ କ'ଣ ଟିଚରମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ବନ୍ଦ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସରକାର ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଉଭୟ ବୁଝାମଣା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ରହୁଛି, ସେ ଅଭାବଟା କିଭଳି ଭାବରେ ତୁଟିବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ତତ୍ପର ହେବା ଦରକାର, ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, ଆକ୍ସନ କ୍ୱିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ସାଥୀସାଥୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡିସିସନ୍ ନେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମୋ ମତ, ଶିକ୍ଷା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ନ କରିବ ତାହେଲେ ଦେଶର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କାଟାଗୋରି କରାଯାଇଛି, କିଏ 8,000 ରହୁଛି, କିଏ 10,000 ରହୁଛି, କିଏ 20,000, କିଏ 50,000, କିନ୍ତୁ କାମ ମଧ୍ୟ ସମାନ, କାମ ସମସ୍ତ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ନିଶ୍ଚୟ ଅବନତି ହେବ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦରକାର, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଭଳି ଆମର ସବୁ ଗୋଟିଏ କାଟାଗୋରିର ନିଶ୍ଚିତ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ଉଚିତ ପାରିଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ପାଇବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ରିଆକ୍ସନ ନେଉଥିଲେ କଟକରୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଆକ୍ସନ କ୍ୱିକ୍ ହେବା ଦରକାର, ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ରହୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜଣେ କଲର ଅଛନ୍ତି, ରିଆକ୍ସନ ନେବା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, ମତାମତ କ'ଣ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଯେ କି ସାରା ରାଜ୍ୟ ଭରସା କରି ଚାଲିଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କଥା ରଖିଲେନି, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଲେନି। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭିତରେ 500-600 ମରିଗଲେଣି, ପହରଦିନ କାଲି ବି ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଛୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ବି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ବି ମେଡିକାଲ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯଦି ନ ଦେବା କଥା ଫାଇନାଲି ମନା କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଫ୍ରଡ୍ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ଯୋଜନା, କୋଉଠି ଖଳା କରିବା, ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କ'ଣ, କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାକୁ ଛଡେଇ ନେଇକିରି ନିଜେ ବାହାବା ମାରୁଛନ୍ତି, 520 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, କୋଉଥିରେ ନା ଯୋଉ ଆମର ରାସନ ବାବଦୀୟ ବା ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବାବଦୀୟ, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଶୀତ ଛାଟୋଇ। ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କର ରହୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଭିଯୋଗ ବି ରହୁଛି, ଯଦି ଦେଇପାରିବେନି ତାହେଲେ ମନା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ କେତେବେଳେ ଲାଠି ମାଡ଼, କେତେବେଳେ ଆଇନ ବିଶୃଙ୍ଖଳା,
କେତେବେଳେ ପୁଣି କଳା ଦିବସ ଗୁରୁ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିବେ, ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ସମସ୍ୟାର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା? କାରଣ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି ଆପଣ ତ କାଢ଼ିପାରିବେନି, ଯେଉଁ ନିୟମ ଆପଣ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେବ? ଗୋଟେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନାରେ ଏଇଟା ସମାଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେଠି ସରକାର ଟିକେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜନମଙ୍ଗଳକର ରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମନେଇବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତିକା ଅନେକ ଲୋକ ମରିହଜିଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ। ବିଶେଷ କରି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଗରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି ଚିପିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ବି ଟିକେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ଗଲେ ସରକାର ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପୋଷ ମିଳାମିଶା ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆର ସମାଧାନ କ'ଣ? ଆପଣ ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହିବେ, ସରକାରଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ହୁଏତ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଅଳ୍ପରେ କମେଣ୍ଟ ଚାହିଁବେ ଆପଣ? ନିଜେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ହେବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତିନି ମାସ ସମୟ ନେଇଥିଲେ, ତିନି ମାସ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଯେହେତୁ କରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 16 ପୁଣି ଆଉଥରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛି। ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଆମର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ଆମର କଟିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୟ ଥିଲା ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ସମୟ ଅଛି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜିତ କରିବା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦି ସରକାର ତାଙ୍କର ଦାବିଟିକୁ ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତି ଛୋଟ ଦାବିଟିଏ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହରେ କ'ଣ କହିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଥମେ ଆଗ କହୁଛି ଯେ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ତଳକୁ ଗଲାଣି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ A1 ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ସରକାର ଆଦରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ନ ହଉ ଯେ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ମଝିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉ, ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାହତ ହଉ, ସବୁ କିଛି ବିଗିଡ଼ି ଯିବା ଆଗରୁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବା ଦରକାର। କାରଣ କେବଳ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ହବ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଚାହିଁଲେ, ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତୁରନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରଭାବିତ, ଦାୟୀ କିଏ? ଯାହା ଆମେ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲୁ, ଶିକ୍ଷକ, ସରକାର ଏବଂ ଉଭୟ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଯାହା ମତାମତ ଆସିଛି, ସର୍ବାଧିକ ଆସିଛି ସରକାର ଦାୟୀ 40%, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ 37% ଦାୟୀ, ଏବଂ ଉଭୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ 23% ଭୋଟ ଆସିଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଗରେ ଅଛି, ବ୍ଲେମ୍ କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ, ଏବଂ ମାତ୍ର 3% ତଳକୁ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଯାହା ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମତାମତ ଦେଉଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଯାହା ଆମେ ସଣ୍ଡେ ଡିବେଟ୍ରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାକି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିଲା ଲୋୟର PMGରୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି 24 ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି। ତ ବର୍ଷ ତମାମ କେତେବେଳେ ଲାଠିମାଡ଼, କେତେବେଳେ ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼, କେତେବେଳେ କଳା ଦିବସ, ଏଭଳି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଶିକ୍ଷକ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛି, ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 30 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏଭଳି ଅନ୍ଧାରକୁ ଚାଲିଯିବ, ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ, ନା ପୁଣି ଦିନ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିବେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେହେତୁ କୋମଳମତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା, ନା କାରଣ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ପରିଣାମ ଆଜି ସେମାନେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଶା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପ୍ରଫେସର ବାସୁଦେବ ଛାଟୋଇ ଥିଲେ, ଅମ୍ୟବାଳା ପରିଡ଼ା ଯିଏକି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମିଳିତ ମଞ୍ଚର, ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ଥିଲେ ହିମାଂଶୁ ପ୍ରସାଦ ସିଂ ଯିଏକି ମୂଲ୍ୟବାନ ମତ ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ରହିବ ଶେଷ, ଯାହା ଆଶା ଏବଂ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ନା ଏ ବିବାଦ ଆଗକୁ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେବ, ତାହା ସରକାର ଏବଂ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେବେ ଏଇଠି ତ ସମୟ ହୋଇସାରିଛି, ସଣ୍ଡେ ଡିବେଟ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।